नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है, भजन लाल शर्मा। ये नाम आप नोट कर लीजिए क्योंकि यही होंगे राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री। और सबसे दिलचस्प बात देखिए, इतने नाम रेस में आगे चल रहे थे, उन सब को पीछे छोड़ते हुए एक ब्राह्मण चेहरे को आगे लाया गया है, भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात, जैसे ही उनके नाम का ऐलान हुआ वो अपनी जगह से उठे, उन्होंने राजनाथ सिंह के पैर छुए, उन्होंने वसुंधरा राजे के पैर छुए, जिसने पूरे देश में एक संदेश दिया कि ये हैं ब्राह्मणों के संस्कार, और उन्हीं के संस्कारों की तारीफ सोशल मीडिया पर हो रही है। और इसी के साथ साथ उनके पुराने तमाम बयान भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आपको बताते चले, भजन लाल शर्मा संघ से जुड़े रहे हैं, एक लंबा कार्यकाल उन्होंने देखा है बीजेपी के साथ रहते हुए, उन्होंने बहुत सारी चीजों को सीखा है, और ऐसे में माना जा रहा है कि ये बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर इसीलिए दी गई है क्योंकि वो बीजेपी के कद्दावर नेताओं की लिस्ट में आते हैं, वो मोदी के करीबी माने जाते हैं। और सबसे दिलचस्प बात तो ये भी है कि वसुंधरा राजे को दरकिनार कर देखिए किसे जिम्मेदारी दी गई, भजन लाल शर्मा को। जैसे ही ये नाम सामने आया हर कोई कंफ्यूज हो गया, गूगल पर सर्च करने लगे भजन लाल शर्मा है कौन। फिर उनके बारे में कुछ डिटेल्स लोगों को पता चली तो फिर पता लगा कि वो संघ से जुड़े रही हैं, एक लंबा पीरियड उन्होंने बीजेपी के साथ बिताया है, कद्दावर नेता है। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि वो सांगानेर से विधायक हैं, भरतपुर के वो रहने वाले हैं, संगठन में लंबे समय तक काम कर चुके हैं, प्रदेश महामंत्री हैं, और इसके अलावा पहली बार विधायक बने हैं। और इसी के साथ उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनके कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। रेस में बालकनाथ भी थे, रेस में वसुंधरा राजे भी थी, अर्जुन मेघवाल भी थे, गजेंद्र सिंह शेखावत भी थे, अश्वनी वैष्णव भी थे, दिया कुमारी भी थी, लेकिन इन सबसे तर बाजी मारी है भजन लाल शर्मा ने। इसी के साथ डिप्टी सीएम के नाम का भी खुलासा होता हुआ दिख रहा है, और इसी के साथ दिया कुमारी को डिप्टी सीएम बनाया गया है, ये भी ऐलान हो चुका है। निश्चित तौर पर राजस्थान की राजनीति में ये एक नया चैप्टर है जिसको आगे तक याद किया जाएगा। हालांकि दबी जुबान में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि हो सकता है 2024 के बाद इस नाम को बदल दिया जाए, लेकिन तब तक इंतजार करते हैं। फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त की यही कि भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे और इसके नाम का ऐलान हो गया है। फिलहाल आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, और आपके हिसाब से बालकनाथ को यह जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई, कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, सबसे पहले तो मैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय जेपी नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। सम्मानीय हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे रक्षा मंत्री सम्मानीय राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, और हमारे पर्यवेक्षक महामंत्री हमारे सम्मानीय विनोद तावड़े जी, उपाध्यक्ष हमारी बहन सरोज जी, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और जिन्होंने नाम का प्रस्ताव किया हमारी पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय वसुंधरा राजे जी का भी धन्यवाद देता हूं, और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे प्रभारी माननीय अरुण सिंह जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे चुनाव के प्रभारी माननीय प्रहलाद जोशी जी, बहन विजय राठकर जी, हमारे संगठन के महामंत्री माननीय चंद्रशेखर जी, और मैं, मेरे साथ उप मुख्यमंत्री बहन दिया जी और प्रेमचंद जी वैरवा जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, और स्पीकर के रूप में जिनका लंबा अनुभव है ऐसे वासुदेव जी देवनानी जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे, ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार।